झारखंड की मौजूदा झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने भ्रष्ट करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार राज्य में बनती है तो रोटी बेटी और माटी की रक्षा की जाएगी। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, जो सघन चुनावी दौरे पर हैं झारखंड में। सर, क्या लगता है आपको, झारखंड में 5 साल की जो हेमंत सोरेन की सरकार रही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार में लोक कल्याणकारी कार्य अवरुद्ध हैं और आम आदमी त्रस्त है। पोटका जैसे क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ कमीशनखोरी और बड़े पैमाने पर यहाँ हेरा फेरी जमीनों का आश्चर्यजनक ढंग से हो रहा है और इसको संरक्षण दिया जा रहा है और संरक्षण देने वाला ही खुद इस सरकार में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। सरना धर्म कोड की बात की जा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि सरना धर्म कोड हम लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ऐसा है, देश के गृह मंत्री ने और जो ड्राफ्ट आया उसमें स्पष्ट है कि आदिवासियों के किसी भी ऐसे कानून, परंपरा, संस्कृति पर कोई असर यानी उससे बाहर रहेगा, यूसीसी से ये बाहर रहेगा। फिर ये विलाप क्यों कर रहे हैं? अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करने का मतलब है कि वो राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश कर रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो यहाँ आदिवासी भोली भाली महिलाओं को, बहनों को प्रलोभन देके शादी करके उसके ज़मीन पर कब्जा जमा रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सर, लास्ट क्वेश्चन सर, अगर आपकी सरकार बनती है सर तो आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी? झारखंड का समग्र विकास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में सारी बातें कह दी है कि राज्य को विकास की दृष्टि से हम कैसे आगे लेकर के जाएंगे, आम जन की सुरक्षा को हम कैसे सुनिश्चित करेंगे, रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, ये हमने संकल्प पत्र में दोहराया। ये थे अर्जुन मुंडा जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो वो करेगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर। कोल्हान क्षेत्र से पूर्वी सिंहभूम